अभी 100 पे हल्का से कम हुआ, अभी अभी ब्रेकिंग देख लेते हैं। तो गाड़ी अभी 100 नहीं, अभी 95 पे चल रही है। तो ब्रेकिंग देखिए, तो स्टेयरिंग व्हील देखिए अभी कैसे रिटर्न आएगी। ओके, तो भाई आज हम चलाने वाले हैं ग्रैंड नाइटन न्यू नियोस। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो भाई गाड़ी का इंटीरियर, अभी आई मीन हम बैठे हैं तो इंटीरियर तो दिखेगा ना आपको। तो आज ये चलाएंगे इस गाड़ी को, और ये है इसका ऑटोमेटिक वाली वेरिएंट, ये है इसका ऑटोमेटिक गियर लीवर। और अगर गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई देखिए टच स्क्रीन आपको मिल, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, ठीक है ना। ये आई मीन इसका टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें आपको टच स्क्रीन मिल जा रही है, न्यू क्लस्टर को दी जा रही है, स्टीयरिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया। और अगर देखा जाए अर्गोनोमिक के मामले में, भाई मेरा जो हाथ है वो तो भाई काफ़ी लंबा है, तो आराम से पहुंच जा रही है, ठीक है। तो अर्गोनोमिक के मामले में भी गाड़ी काफ़ी सही है, यानी कि आपका जो स्विचेस वगैरह जो रखा गया है आराम से जो आपका हाथ पहुंच जाएगा। एंड और एक अच्छी चीज़ भाई, टच स्क्रीन यहाँ पे आपको जैसे कि मिल जा रही है, उसके साथ यहाँ पे आपको फिजिकल बटन सब दी जा रही है, जैसे कि नॉब यहाँ पे देख पा रहे हो, देन स्लॉट, ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है गाड़ी में। आई मीन न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, देखिए जैसे कि मैंने अपना मोबाइल यहाँ पर रखा है। ओके, तो आज चलाएंगे इसका ऑटोमेटिक वेरियंट। अगर फ्रंट चेंजेस की बात करूँ तो फ्रंट में जैसे देख पा रहे हो इसका लाइट के नीचे का जो पूरा प्रोफाइल है ना, यानी कि ग्रिल का प्रोफाइल, उसको पूरा चेंज कर दिया गया, यानी कि न्यू नियोस में अभी आपको मिलेगी न्यू DRL एंड इसका जो न्यू ग्रिल, देन हेडलैम्प तो भाई आपको सेम मिलेगी, यानी कि प्रोटोटाइप की हेडलैम्प। एंड रियर देखें तो रियर में आपको भाई देखिए चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, कनेक्टिंग एक रिफ्लेक्ट आपको मिल जा रही है, ये भाई जलेगी नहीं, ओके, एक रिफ्लेक्ट बेस आपको मिल जाती है। देन जो Hyundai i10 लिखा गया है ये भी अभी आपको मिलने वाली है सैटिन कलर में, पहले आपको मिलती थी क्रोम में। देन टायर का जो ऑल ओवर का जो यहाँ पे देख पा रहे डिजाइन थोड़ी हल्की हल्की आपको चेंज देखने को मिलेगी। एंड 175/60 एंड 15 इंच की ऑलॉय, जैसे कि आप देखिए इसका टॉप एंड वेरिएंट, तो आपको इसमें ऑलॉय ही मिलने वाला है। तो गाड़ी में तो बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन अभी चलाने में गाड़ी कैसी है वो आज देखने वाले, और इसका ऑटोमेटिक वाली वेरिएंट भाई पावर फेयर के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को। और भाई ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको क्लच का पैडल तो नहीं मिलेगा। देन अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ अभी, देखिए तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है ना, पेट्रोल गाड़ी है, CNG के साथ मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल ये पेट्रोल गाड़ी है, बस AC का जो फ्लो है वही आ रहा है। एंड ग्लासेस वगैरह सब बंद है यहाँ पे, तो आपको लगेगा नहीं कि भाई गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है, वो तो पहली बात है, जैसे कि अभी गाड़ी स्टार्ट है लेकिन बस जो है AC का बस हवा आ रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत लोगों का क्या होता है ना भाई, जो A पिलर होता है ना, इसकी वजह से जो है ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो A पिलर है वो भी काफ़ी नैरो है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट मेरे हिसाब से भी क्रिएट होना नहीं चाहिए। देन भाई हैचबैक गाड़ी है तो बोनेट तो आपको नहीं दिखने वाला है, और आगे का बोनेट काफ़ी जो इसका साइज है वो भी काफ़ी छोटा है, लंबी गाड़ी तो है नहीं, हैचबैक गाड़ी है। देन बोनेट तो नहीं दिखेगी, लेकिन आप इसको इजीली जो है हैंडल कर सकते हो, क्योंकि छोटी गाड़ी है, कहीं भी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए मैं चलाते हैं इस ऑटोमेटिक गाड़ी को, फिर आपको बताता हूँ गाड़ी को चला के कैसा क्या लगता है। सो हियर वी गो, तो बस ब्रेक को रिलीज कीजिए और गाड़ी आगे बढ़ना चालू। तो इनिशियल पिकअप देख लेते हैं गाड़ी का पहले। तो भाई गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है वो काफी ज्यादा सही है, और देखिए ऑटोमेटिक गाड़ी है, कैसे खींच रही गाड़ी, तो अभी इनिशियल पिकअप में कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी थोड़ा सा पावर लेक करते हैं, थोड़ा पता नहीं क्या लगता है, लेकिन फिलहाल मुझे जो लगा मैंने आपको बताया कि इनिशियल पिकअप में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और गाड़ी आराम से जो खींच रही है गाड़ी, एंड ये ऑटोमेटिक वाली गाड़ी है। और अगर मैं बात करूँ, देखिए क्या बात करें भाई, ऑपोजिट रोड में एक बलोर आ गई, इनको भी क्या बोले। सो ये तो हो गई भाई इसका जो इनिशियल पिकअप है बारे में। अगर मैं देखा जाए इसका जो इंजन नॉइज, देखिए अभी गाड़ी चल रही है, पेट्रोल गाड़ी है, सब कुछ बंद है, बस AC का फ्लो है, और देखिए साउंड, अगर आप ज़्यादा रेस पे चलाओगे हल्का सा बस रोड नॉइज आता है पेट्रोल के इंजन में, और ज़्यादा अगर आप खड़ी कर दो गाड़ी को तो आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है, ठीक है ना। तो काफ़ी रिफाइनमेंट इंजन हुआ है इसमें, और देखिए अगर देखा जाए तो आज के डेट में तो भाई पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है अभी काम चल रहा है, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल जैसी आ रही है, पेट्रोल प्लस एथानॉल की गाड़ी हो गई, तो यहाँ से भी टर्निंग कर देते हैं, तो पेट्रोल को रिप्लेस करने वाली बहुत सारी जो है अभी ऑप्शन निकलने वाली है, होप सो ये गाड़ी में भी वो चीज आ जाए। देखिए भाई आराम से देखिए गाड़ी कैसे टर्न करे, देखिए तो स्टेयरिंग व्हील देखिए अभी कैसे रिटर्न आएगी। ओके देखिए, तो टाटा के बाद मुझे इसका जो स्टेयरिंग व्हील काफी ज्यादा लाइट लग रही है, और पहले से ज्यादा मुझे अभी जो है न्यू चलाने मजा आ रहा है, काफी लाइट देखिए आराम से घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाओगे तो आपको एक फ्रंट टू ड्राइवर जो है मजा आने वाला है इस गाड़ी में। एंड सब कुछ आपको हाथ के देखिए पहुंच में आपको मिलने वाला, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके हाथ के पहुंच में आपको मिलेगी, यानी कि अर्गोनोमिक के मामले में काफी सही रखा है गाड़ी में,
और सेफ्टी को काफी प्रायोरिटी दिया गया, यानी कि भाई हुंडई ने सोचा कि अभी के टाइम में लोग जो है वो भी सेफ्टी को देख रहे हैं, तो भाई मुझे भी सोचना चाहिए उसके बारे में। तो अभी आपको मिलेगी 4 एयरबैग मिलेगी, एंड जो एबीसी थ्रीडी हो गई, देन वेगेशन मैनेजमेंट, हील असिस्ट कंट्रोल सेफ्टी आपको मिलेगी एज स्टैंडर्ड। एंड अगर आप ले तो उसका टॉप एंड वेरिएंट तो आपको मिलेगी 6 एयरबैग, ठीक है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा अभी प्रेस करके गाड़ी का जो स्टेबिलिटी, तो गाड़ी देखिए भाई गाड़ी खींच रही आ रहा से पूरा, और अभी 80 पहुंचेगी तो आवाज आएगा, देखिए आवाज आएगी अभी 80 पहुंची, ठीक है ना। तो 100 अभी जस्ट पहुंचने वाली है, देखिए 100 अभी टच की, अभी 100 टच की अभी, तो ब्रेकिंग देखिए, देखिए टर्निंग में, देखिए टर्निंग में फिर 100 में चल रही है, तो आराम से भाई कोई भी दिक्कत नहीं स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है ना। अभी 100 में हल्का से कम हुआ, अभी अभी ब्रेकिंग देख लेते हैं, तो गाड़ी अभी 100 नहीं अभी 95 में चल रही है, तो ब्रेकिंग देखिए, तो देखिए भाई कोई दिक्कत नहीं ब्रेकिंग में, 95 में है और विद इन कुछ सेकंड में ही गाड़ी रुकी। तो ड्रम मिलेगी, सॉरी आपको आगे मिलेगी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन, पीछे आपको मिलेगी ड्रम ब्रेक का ऑप्शन, तो ब्रेकिंग में भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, कोई ज्यादा क्या कोई भी इशू नहीं है। आप चलाओगे तो जहां पे आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वहीं पे गाड़ी रुकेगी, ऐसा नहीं है भाई ज्यादा देर खींच जाएगी गाड़ी, तो वो चीज भी है। तो फिर से ब्रेक को रिलीज करते हैं और गाड़ी देखिए फिर से चलना शुरू। तो इसके जो कॉम्पिटेटर जो गाड़ियां हैं जैसे स्विफ्ट होगी, टियागो होगी, तो डेफिनेटली वो भी जो है अभी इससे डरने वाले हैं, क्योंकि एक नया जो लुक है, नई लुक के साथ एक इंजन में भी रिफाइनमेंट हुआ है इस गाड़ी में, जो कि मैं फील कर पा रहा हूँ। और ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट है सबसे ज्यादा जो अभी लोग चाहते हैं कि भाई गियर से जो है हाथ हटाने के लिए भाई कौन बार बार गियर डालेगा रेसिंग हाउस वगैरह में, तो वो चीज यहाँ पे आपको नहीं करनी पड़ेगी बार बार, यहाँ पे तो है ही नहीं गियर लीवर, ऑटोमेटिक है। आप जब भी आप हम जो अगर आता है तो वहां पे आपको आराम से जो आप निकल सकते हो। छोटी गाड़ी है, फन टू ट्रेवल मजा आपको देने वाली है, इसका जो टर्निंग रेडियस है वही 4.9 मीटर का, तो आराम से कहीं भी आप लेके जाइए, कहीं भी घुमा दीजिए गाड़ी को, आराम से घूम जाएगी। एंड रिलायबल भाई इंजन है, ट्रस्टेबल इंजन है, जैसे ह्यूंडई के इंजन में 1.2 लीटर की कैपा पेट्रोल इंजन, एंड जो पावर डिलीवरी करती है पेट्रोल इंजन में वो 83 पीएस की एंड 113.8 Nm का टॉर्क है। माइलेज की बात करें तो 21 का जो है कंपनी क्लेम करती है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो भाई आपको हाईवे में वही 20 तक दे देगी, एंड सिटी में आपको भाई आप 17-18 मान के चलो, ठीक है ना, वही आपको मिलने वाली, भाई प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देन भाई सबसे अच्छा तो मुझे वही लगा इसका पिकअप वगैरह, एंड इसका जो ड्राइविंग का जो मजा है ना भाई, देखिए इसका जो स्टेयरिंग व्हील है आराम से आप जो है इसका जो फीलिंग है ना वो काफी बेहतर मुझे लग रही है, ठीक है ना। इसका टॉप एंड वेरिएंट है आस्था मॉडल है ये वाला। देन टर्निंग थोड़ा देखिए अभी ये टर्निंग में है थोड़ा सा हल्का, यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी गाड़ी का, देखिए तो गाड़ी का स्टेबिलिटी देखिए, गाड़ी को हमने कहीं भी इसका जो रेस को हमने उठाया नहीं, रिलीज नहीं किया है, ठीक है। 80 में भी गाड़ी चल रही है, क्या बताई, तो गाड़ी 80 में चल रही है, टर्निंग वगैरह में इसका जो स्टेबिलिटी है काफी बेहतर है, एंड डेफिनेटली भाई मार्केट में ये गाड़ी चलेगी चलेगी। इस गाड़ी का और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है ना, इसका जो रियर कम्फर्ट है ना वो मुझे काफी अच्छी लगती है, ठीक है, बैठ के दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। एंड मेरा जो हाइट है वो 6'3" से लेके देखिए भाई मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे से, मैं आराम से यहाँ पे देखिए भाई आराम से बैठ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो लंबे हाइट के पर्सन भी यहाँ पे अगर आप बैठोगे इस गाड़ी में तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा जो वही होता है कि हेडरूम नहीं मिलता है, लेगरूम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे फील नहीं होगी। देखिए अभी पूरा हाईवे टाइप का रोड है, 80 क्रॉस की अभी देखिए, तो देखिए भाई यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा दूं 100 का स्पीड, अभी हल्का टर्निंग में आ रहा देखिए, ठीक है ना, देखिए ब्रेकिंग देखिए आराम से गाड़ी रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ब्रेक अप्लाई कीजिएगा आराम से रुकेगी, हल्का सा अगर आप हार्ड ब्रेक अप्लाई करोगे तो भी फटाक से रुक जाएगी, ठीक है ना। तो भाई चलाने में एक मजा लगता है गाड़ी को, इस गाड़ी को स्पेशली अगर मैं बात करूँ, और मेरे पास खुद भी है, मेरे पास तो भाई मारुति डिजायर है, तो मारुति गाड़ी में यूज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ह्यूंडई की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लग रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम बैठे हैं पीछे और भाई चलाएंगे गाड़ी को, और मैं आपको पीछे बैठ के दिखाऊंगा कि भाई पीछे का जो कंफर्ट है वो कैसा है। फिलहाल के लिए तो काफी मजा आ रहा है, और जो एसी का जो फ्लो है देखिए, रियर एसी वेंट आपको मिल जा रही है, तो पीछे जो बैठेगा ना तो उनको अभी जो यानी कि गर्मी का शिकायत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भाई आपको काफी ज्यादा ठंडा कर देगी समर में, ओके। तो भाई अभी चला रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ आराम से, एंड सीरियसली अगर इसका पीछे आई मीन रियर कंफर्ट है ना भाई, मुझे काफी अच्छी लगती है। और मेरे हाइट के साथ देखिए जो नी रूम वगैरह मुझे काफी अच्छा मिल रहा है, हेडरूम काफी अच्छा मिल रहा है मुझे, देखिए अभी हेडरूम जो है
ठीक है ना। देन कंफर्ट के हिसाब से भाई काफ़ी सही है। यहाँ पर अगर बैठोगे आप लॉन्ग रूट में जाओगे तो आप मतलब मज़ा ही करने वाले हो भाई। लेकिन गाड़ी चलाने में और एक मज़ा है, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना आई मीन ड्राइव करना मज़ा आता है। तो जिन लोगों को ड्राइव करने मज़ा आता है तो उनको वही ड्राइवर सीट पसंद आएगी, और जिनको बैठना पसंद है तो अलग बात है। लेकिन भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे ड्राइविंग करना पसंद है ज़्यादा, ठीक है ना। और सस्पेंशन जैसे कि ये भाई प्लेन रोड है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का अगर मैं बात करूँ तो सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा आई मीन आपको यहाँ पर सही मिलने वाला है। अगर हाईवे में जैसे कि ये प्लेन रोड है यहाँ पर जा रहे हैं तो कोई जर्किंग वगैरह फील तो नहीं होगा, वैसे ही मुझे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ऑफ रोडिंग हल्का फुल्का करते हो तो आपको थोड़ा बहुत जल लगने वाला है, क्योंकि इसका जो सस्पेंस थोड़ा सा आपको सॉफ्ट साइड में आपको मिल जाती है। कि फिर भी भाई कंफर्ट के मामले में तो गाड़ी मुझे तो सही लग रही है। और ह्यूंडई की एक जो है सिग्नेचर आप बोल सकते हो, जो साइन जो है वो है भाई हनीकम का पैटर्न, वो रही जो कि आपको ह्यूंडई नियोस एंड ओरा इन दोनों गाड़ियों को देखने मिलेगी। और पीछे का भाई सस्पेंशन देखिए, जैसे बैठा हूँ तो जर्की वगैरह इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, एंड काफ़ी एयरी वाली फील आ रही है, मतलब सॉफ्टिंग वाली फील नहीं है यहाँ पे, काफ़ी एयरी वाली फील आएगी आप। और हैचबैक गाड़ी है लेकिन फिर भी ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बिजी रोड में भाई कैसा लग रहा है आपको चलाने में, कोई दिक्कत आ रही क्या इसका जो इनिशियल पिकअप है पिकअप वगैरह में? सब ठीक। देखिए भाई बिजी रोड में भी अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर शिफ्टिंग की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिजी रोड में देखिए, तो बिजी रोड में भी आप जब चलाओगे तो जब भी आपको पावर की जरूरत होगी ये गाड़ी आपका साथ पूरा देगी। ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी कहीं पे लैग कर जाएगी, ऐसा नहीं है। तो पूरी बिजी रोड में आप देख सकते हो, जैसे कि भाई ड्राइव कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, पूरा रोड खचाखच भरा हुआ है ट्रक वगैरह से, एंड ऑटो देखिए आगे जा रही है। सबसे जो है माहिर ड्राइवर होते हैं वो ऑटो वाले होते हैं, उनका मानना है कि भाई उनका दो चक्का है, लेकिन उनको पता नहीं कि भाई तीन चक्के में ऑटो चलती है, तो थोड़ा बाइक टाइप की चलाते हैं, वो अलग बात है। ओके, तो भाई देखिए बिजी रोड में काफ़ी अच्छे तरीके से जो गाड़ी का जो पिकअप, भाई पिकअप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं। तो अभी क्लस्टर में जो दिख रहा है भाई 12 किलोमीटर पर लीटर का भी शो कर रही है क्लस्टर में, क्योंकि ये भाई गाड़ी अभी नई नवेली है तो इसको इतना चला ही नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी तो हम ट्रैफिक में फंसे हैं, और यही था आज का वीडियो इस ग्रैंड एटेन नियोस फेसलिफ्ट के ड्राइव रिव्यू के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।